नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस महीने का वेतन हमें अप्रैल में दे होगा और एसआई की कटौती भी हमारी इसी महीने के वेतन से की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एसआई पर हमें अधिक लाभ देने की घोषणा इस बजट सत्र में की है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस वीडियो की सहायता लें और आपका एसआई का फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरें और उसमें एसआई की कटौती ज़्यादा करवाएं, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आपको किस तरह से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मोबाइल की सहायता से ही ऑनलाइन करना है बिना किसी कैफे पे जाए या सिस्टम पे जाए। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ ऊपर लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है सर्च बॉक्स में, राज SSO। इसे लिखने के बाद आपको सर्च करना है, तो जो भी आपके सामने पहली साइट आएगी उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने SSO का इस तरह का प्रश्न आएगा। अब यहाँ साथियों आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने आपकी डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID पूछी जाएगी। उसमें आपको आपकी जो RJJW वाली ID है वो उसे इंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पासवर्ड पूछे जा रहे हैं, तो आपको पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आपने डिज़ाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड यहाँ एंटर कर लेने हैं। और फिर यहाँ जो ये कैप्चा दिया हुआ है, हमें यहाँ इंटर कैप्चा की जगह इनको इंटर कर देना है। और सबसे अंत में हमें लॉगिन का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह आपके सामने आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे ऊपर या तो आपको SIPF का ऑप्शन मिल जाएगा, यदि यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें से SIPF को सर्च कर लेना है और फिर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ आपको SIPF दिखाई दे रहा है, सर्च करने के बाद भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। जब यह आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ी देर आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा और आपको ले जाएगा SIPF के पोर्टल पर। अब इस तरह आपके सामने आपका SI का जो पोर्टल है वो कुछ सूचना प्रदर्शित करेगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज़ का, आप इसे क्लोज़ कर लीजिए। अब यहाँ जो आपको ऊपर, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको, जो ये तीन सफ़ेद लाइन दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन का, तो इस ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अन्य और ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह से आपके सामने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको आपकी एप्लीकेशन डेट दिखाई देगी, यहाँ आपकी एम्प्लॉय ID आपको दिखाई देगी, यहाँ आपको आपका नाम दिखाई देगा, फिर जेंडर, और साथियों फिर अपने को हमारे मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट, DDO, इंक्रीमेंट सैलरी मंथ, ये चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। साथियों आपको इन चीज़ों को अच्छे से चेक करना है, यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको आपके DDO से संपर्क कर लेना है। अब साथियों यहाँ आता है यूजुअल करंट प्रीमियम, तो जो भी आपकी करंट प्रीमियम अभी तक कट रही है उस करंट प्रीमियम को आपको यहां एंटर कर लेना है। और हाँ साथियों, यदि आप पहली बार कटौती करवा रहे हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, आप उसकी सहायता लें, क्योंकि ये वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी SI पहले से ही कट रही है। तो हम बात कर रहे थे यूजुअल करंट प्रीमियम की, तो यहाँ आपको जो आपकी SI वर्तमान में कट रही है वो राशि आपको यहाँ इंटर कर देना है। उसके बाद साथियों यहाँ आपको देखना है बेसिक पे के ऊपर ही SI की कटौती होती है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जो बेसिक पे आपका शो हो रहा है वो सही है या नहीं। उसके बाद आपको जो मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ आपके लिए एक सारणी डिस्प्ले करी हुई है, जिसमें आपको क्लियर दिया हुआ है कि आप आपके मूल वेतन देखकर एक स्टेप या दो स्टेप
आगे की कटौती करवाना चाहते हैं तो उसकी सहायता ले लें। उसके बाद साथियों आपको यहाँ देखना है पर्पस प्रीमियम अमाउंट, यहाँ ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप सारणी में से आप जितनी भी राशि कटवा सकते हैं, कटवाने योग्य है, उसकी सहायता लेने के बाद आपको यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ सूची ओपन हो जाएगी भाई आप कितनी मैक्सिमम कटवाना चाहते हैं। हालांकि जो आपको पोर्टल है वो गलती करने नहीं देगा, आप यहाँ से जो भी प्रीमियम आप अधिकतम कटवाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंक्रीमेंट प्रीमियम का, तो यहाँ आपको वो राशि शो होगी जो आपने अभी बढ़ाई है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरी 3000 पहले से कट रही थी, अब मैं 5000 और कटवाना चाहता हूँ तो यहाँ इंक्रीमेंट प्रीमियम मेरा हो जाएगा 2000 और बढ़ी है मतलब मेरी पॉलिसी। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद साथियों और चीज़ें चेक करने के लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन को अप कर लेना है। उसके बाद यहाँ आएगा टोटल प्रीमियम आपका यहाँ शो होने लग जाएगा भाई अब अप्रैल में आपका जो वेतन मिलेगा उसमें से कितनी एसआई काटी जाएगी वो राशि आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद आपका सम एश्योर्ड यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस डेट ऑफ रिस्क यहाँ आपको शो हो रहेगी। उसके बाद आपका एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे यहाँ डिस्प्ले होगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे आना है अपने को, यहाँ देखना है करंट डेट ऑफ रिस्क आपको यहाँ शो होगी। अब साथियों मैंने आपको पहले भी याद दिलाया है कि यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप आपके नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कर लें और उनके लॉगिन से किसी भी त्रुटि को सुधरवा लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अब आपको यहाँ एक चेकबॉक्स मिलेगा जिस पर आपको टिक कर लेना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे यहाँ इस तरह से राइट हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का सबसे अंत में साथियों, तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ एक पॉपअप शो होगा आर यू वांट टू सबमिट। तो आपको यदि आपने जो एप्लीकेशन बिल्कुल सही फिलअप की है तो आपको यहाँ जो ओके दिखाई दे रहा है इस ओके पर आप क्लिक कर लीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन आपके DDO को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब साथियों आपको DDO को इसका प्रिंट आउट देना होगा आपके सिग्नेचर करके, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेंगे। उसके लिए आपको चलना है आपके वापस SIPF पोर्टल के होम पेज पर। तो चलिए साथियों होम पेज पर चलते हैं। जब आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई ट्रांजेक्शन का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ आपको साथियों मिलने लगेगा आपका एप्लीकेशन नंबर, मॉड्यूल नेम, एक्टिविटी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ शो होगी। अब आपको मोबाइल की स्क्रीन को इधर लेफ्ट हैंड की ओर खिसकाना है। यहाँ आपको देख लेना है आपकी जो अमाउंट है वो कितना यहाँ शो होगा जो आपने वृद्धि की है वो। आपका क्रिएटेड ऑन जिस डेट को आप आवेदन करोगे वो आपको यहाँ शो होने लग जाएगी। अब यहाँ आगे आपको दिखाई देगा साथियों, मैं मोबाइल की स्क्रीन को और लेफ्ट हैंड की ओर खिसका देता हूँ, यहाँ मिलेगा आपको स्टेटस। तो स्टेटस में आपका फ़िलहाल पेंडिंग दिखाई देगा क्योंकि आप एप्लीकेशन तुरंत फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पेंडिंग दिखाई देगी जब तक उसको DDO अप्रूव नहीं कर दे, तो यहाँ आपको पेंडिंग मिलेगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ रिस्क आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ सबसे अंत में हमें मिल रहा है ऑप्शन प्रिंट का, तो आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपका प्रिंट आउट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रिंट आउट को निकलाना है, उसके बाद आपके सिग्नेचर करते हुए आपके DDO को हैंड ओवर कर देना है। निश्चित ही आपकी जो SI पॉलिसी का फर्दर कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट वो स्वीकार करेंगे और आपकी जो SI की कटौती है उसे बढ़ा देंगे। उम्मीद है साथियों इस वीडियो की सहायता से आपको फर्दर कॉन्टैक्ट SI का ऑनलाइन करने में वो भी मोबाइल के द्वारा आसानी रहेगी। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।